नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 34th एपिसोड में स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन करता हूँ। पिछले 2 एपिसोड से हम लोग अभिधम पर चर्चा कर रहे हैं, मन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मन को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। आखिर यह मन है क्या? क्यों एक व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है जबकि दूसरा उसी परिस्थिति में उतना खुश नहीं रहता है? कोई कोई तो सब कुछ रहने के बाद भी दुखी रहता है, आखिर क्यों? इसका अध्ययन अभिधम है। अभिधम पूरा का पूरा मनोविज्ञान है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अस्तु, पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि मन में चित्त है, चेतसिक है, कॉन्शसनेस है तथा साइकिक फैक्टर्स हैं। इन दोनों का ही समूह मन है। इस एपिसोड में हम चित्त पर चिंतन करने जा रहे हैं। अभिधम का सबसे लोकप्रिय, सरल तथा बोधगम्य ग्रंथ है अभिधम्मत संगहो। इसकी विभावनी टीका में चित्त को परिभाषित करते हुए टीकाकार भदंत सुमंगल स्वामी, महाथेर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के ये महाथेर हैं, कहते, चिंतेति इति चित्तं आरम्भणं विजानाति इति अथो। जो चिंतन करता है वह चित्त है, आलंबन को जानता है यह अर्थ है। कहने का अर्थ है कि चित्त वह धर्म है जो आलंबन अथवा विषय को जानता है। चित्त आलंबन के प्रति चिंतन करता है, विषयों का यह चिंतन करता है, इसलिए चित्त यह कहलाता है। अब देखते हैं कि आलंबन या विषय क्या होता है जिस पर चिंतन किया जाता है। हम जानते हैं कि इंद्रियां 6 हैं, वे 6 इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन। लेमेन के शब्दों में कहें तो आंख, कान, नाक, जीभ, काय यानी शरीर तथा मन, यही 6 इंद्रियां हैं। जहां ये इंद्रियां काम करती हैं उसे आलंबन अथवा विषय कहते हैं। तो कहां काम करती है? चक्षु रूप पर काम करता है, श्रोत शब्द पर काम करता है, घ्राण गंध पर काम करता है, जिह्वा रसास्वादन लेता है, काय स्पर्श करता है और मन विचार करता है। इस तरह 6 विषय हैं, आलंबन है, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य तथा धम, यही 6 विषय हैं। जब भी इंद्रिय के संपर्क में विषय आता है तब चिंतन होता है। यह चिंतन ही चित्त है, चित्त ही चिंतन करता है। जब चिंतन अच्छा होता है तब वह
कुशल चित्त कहलाता है। जब चिंतन बुरा होता है, अकुशल चित्त वाला वह चिंतन होता है। चित्तों की संख्या अभिधर्म में 89 कही गई है। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी मैंने जिक्र किया है, यानी 89 प्रकार के चिंतन हमारे मन में चलते हैं, जिस कारण 89 प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं। देखते हैं वे 89 प्रकार के चित्त, 89 प्रकार के चित्त कौन कौन से हैं, कैसा कैसा हमारा चिंतन है। मूलतः मुख्य रूप से चित्त को पहले 4 भागों में बांटते हैं। वे 4 हैं, पहला अकुशल चित्त, दूसरा कुशल चित्त, तीसरा विपाक चित्त तथा चौथा क्रिया चित्त। वैसे तो अकुशल चित्त तथा कुशल चित्त की चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, फिर भी पुनः अति संक्षेप में उल्लेख कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, ताकि बातें सुस्पष्ट हो जाएं। हम देखते हैं कि 6 हेतु हैं, लोभ दोष मोह तथा अलोभ अदोष अमोह। इनमें से प्रथम 3 यानी लोभ दोष तथा मोह अकुशल हेतु हैं। जब ये 3 अकुशल हेतु किसी चित्त के साथ संप्रयुक्त हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, तब वह चित्त अकुशल चित्त हो जाता है। बाद के जो 3 हेतु हैं यानी अलोभ अदोष तथा अमोह, ये 3 हेतु कुशल हेतु हैं, मोरल रूट्स है। जब ये 3 कुशल हेतु किसी चित्त के साथ युक्त हो जाते हैं, सब प्रयुक्त हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, तब वह चित्त कुशल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि चित्त एक प्रवाह मात्र है। जब उस प्रवाह में बुरी प्रवृत्तियां यानी अकुशल हेतु मिल जाती हैं, उसके साथ एकाकार हो जाती है, तब वह चित्त बुरा हो जाता है, अकुशल हो जाता है। उसी तरह जब उस चित्त प्रवाह में चिंतन की धारा में अच्छी प्रवृत्तियां यानी कुशल हेतु सम्मिलित हो जाती हैं, तब वह चिंतन भी अच्छा हो जाता है, वह चिंतन ही कुशल चित्त है। जैसे जल में नींबू मिलाने पर जल खट्टा हो जाता है, जल में चीनी मिला देने पर जल मीठा हो जाता है, इसी तरह हमारे जीवन में भी खट्टा मीठा अनुभव होता रहता है। जैसा हेतु होता है वैसा हम अनुभव करते हैं। हेतु का अर्थ ही होता है मूल, रूट यानी जड़। जैसा जड़ होगा वैसा ही फल होगा। जब जड़ विषैला होगा तो पौधा भी विषैला होगा, और जब जड़ पौष्टिक होगा तो पौधा भी पौष्टिक वाला ही होगा। अकुशल हेतु विष के समान है, पॉइजन के समान है, वह विषैला है, उससे युक्त चित्त भी विषैला हो जाता है, मन हमारा विषैला हो जाता है। कुशल हेतु पौष्टिक देने वाला है, इसलिए उससे युक्त चित्त मन को पौष्टिकता ही देता है, मन में सुख तथा शांति ही
लाता है। जैसा जड़, जैसा मूल, वैसा पौधा, और जैसा पौधा वैसा ही फल। नीम का बीज तो नीम का ही जड़, नीम का ही पौधा और फिर नीम का ही फल। उसी तरह जब अकुशल हेतु है, बीज रूप में अकुशल है, यानी बीज रूप में लोभ है, बीज रूप में द्वेष है, बीज रूप में मोह है, तब समझे पौधा भी अकुशल ही होगा और उसका फल भी अकुशल ही होगा, मीठा नहीं होगा, खट्टा या तीखा ही होगा, रुलाएगा ही, मन में प्रसन्नता नहीं लाएगा। मन तो तब प्रसन्न होगा जब हेतु कुशल होगा, जब कुशल हेतु होगा यानी अलोभ होगा, अद्वेष होगा, अमोह होगा, तब हमारा चित्त भी कुशल चित्त वाला होगा। और इस कुशल चित्त रूपी पौधा का जो फल होगा वह मीठा ही होगा, स्वादिष्ट ही होगा, वह किसी को रुलाएगा नहीं बल्कि हंसाएगा, करुणा का भाव जगाएगा, मैत्री मुदिता का वातावरण बनाएगा। अस्त। अकुशल चित्त तथा कुशल चित्त पर विमर्श कर चुके हैं, अब विपाक चित्त तथा क्रिया चित्त को देखते हैं। विपाक का अर्थ फल होता है, अंग्रेजी में इसे रिजल्टेंट कहा जाता है। जिस तरह परीक्षा फल होता है, रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का रिजल्ट होता है, जैसी परीक्षा हम देते हैं वैसा ही रिजल्ट हम पाते हैं, ठीक उसी तरह जैसा चित होता है वैसा ही फल होता है, यानी वैसा ही विपाक होता है। अगर अकुशल चित है तो विपाक भी अकुशल ही होगा, अगर कुशल चित है तो विपाक भी कुशल ही होगा, क्योंकि अकुशल चित से युक्त जो कर्म होगा वह अकुशल कर्म ही होगा और कुशल चित से युक्त कर्म कुशल कर्म ही उत्पन्न करेगा। अगर हमारे चित्त में लोभ है तो हम चोरी का ही चिंतन करेंगे, चोरी की बात ही बोलेंगे, चोरी ही करेंगे। अगर चित्त में, मन में द्वेष है तो क्रोध ही करेंगे। इसके विपरीत, इसके उल्टा, जब हम अलोभ करते हैं तो त्याग की भावना जगती है। हम दान देते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, अगर चित्त में अद्वेष उत्पन्न होता है तब हम द्वेष भावना से मुक्त होकर मैत्री करते हैं, समस्त प्राणियों के प्रति मंगल कामना करते हैं। इस तरह अकुशल तथा कुशल जो हम कर्म करते हैं वे कर्म अपने अनुसार फल देते हैं। उन कर्मों के फल से प्राप्त चित्त ही विपाक चित्त है, या यूं कहें कि जब भी कोई चित्त उत्पन्न होता है तब वह अपने स्वभाव के अनुसार मन पर प्रभाव छोड़ता है, जिसे हम विपाक चित्त कहते हैं। यानी अकुशल चित्त का अकुशल विपाक तथा कुशल चित्त का कुशल विपाक। अभी हमने देखा कि अकुशल हेतु के कारण अकुशल चित्त उत्पन्न होता है और अकुशल चित्त अकुशल विपाक प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है।
उसी तरह कुशल हेतु कुशल चित पैदा करता है और तदनुसार कुशल विपाक उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ है कि जो हेतु है, जो मूल है, जो रूट्स है, वही कुशल तथा अकुशल के कारक हैं। जिस चित में हेतु नहीं है वैसे चित को अहेतुक चित कहा जाता है। इसकी चर्चा आगे के एपिसोड में करेंगे। अब हम क्रिया चित को देखते हैं। क्रिया का अर्थ यहां करना मात्र है, केवल क्रिया मात्र है, यहां प्रतिक्रिया नहीं है। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तभी विपाक उत्पन्न होता है। देखना देखना मात्र रह जाए, सुनना सुनना मात्र रह जाए, सूंघना सूंघना मात्र रह जाए, वही क्रिया है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तब वह चित क्रिया चित है। लेकिन जो ही हम देखकर प्रतिक्रिया करने लगते हैं, यह रूप अच्छा है, यह रूप बुरा है, ये शब्द प्रशंसनीय हैं, ये शब्द निंदनीय हैं, यह सुगंध है, यह दुर्गंध है, ऐसा चिंतन प्रतिक्रिया है। और यही प्रतिक्रिया हमें फल देने लगता है, विपाक उत्पन्न करने लगता है। प्रतिक्रिया न करना, क्रिया केवल क्रिया मात्र रह जाना ही क्रियाचित है। कहने का अर्थ है कि जो कर्म मात्र होते हैं, जिनका विपाक नहीं होता है, वे क्रियाचित हैं। अर्हत का चित्त, बुद्ध का चित्त किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार उनका चित्त किसी भी प्रकार का विपाक उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा चित्त ही क्रियाचित कहलाता है। अर्हत का चित्त क्रियाचित होता है। क्रियाचित्त बुना हुआ बीज के समान होता है। ऐसे बीज के बोने पर, वपन करने पर उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। मिट्टी भी है, जल भी है, अगर खाद डाल दे तो खाद भी है, लेकिन वह बीज तो भुना हुआ है, वह प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, न मिट्टी से न जल से, इसलिए वह पौधा का रूप नहीं ले सकता, फल नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह अर्हत का चित कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसे उन्होंने भून कर नष्ट कर दिया है। क्या नष्ट कर दिया? उन्होंने राग नष्ट कर दिया, द्वेष नष्ट कर दिया, क्रोध नष्ट कर दिया, अहंकार नष्ट कर दिया, सारी तृष्णाओं को उन्होंने नष्ट कर दिया। वे इस लोक में हैं, वे जीवन जी रहे हैं, लेकिन लिप्त नहीं हो रहे हैं, वे निष्क्रिय नहीं हैं, पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, पूर्ण रूप से जागरूक हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं। कोई अपेक्षा नहीं, केवल उपेक्षा। किसकी उपेक्षा? राग की उपेक्षा, द्वेष की उपेक्षा। इसलिए वहां दुख भी नहीं है, सुख की अनुभूति भी नहीं है। दुख सुख से पार हो जाना ही अर्हत की अवस्था है, और उस अवस्था वाला चित ही क्रियाचित है। अब कह सकते हैं कि अर्हत निर्वाण लाभी होता है, और निर्वाण तो परम सुख है। इस अर्थ में निर्वाण सुख है कि वहां तृष्णा का अभाव है, दुख लेस मात्र भी नहीं है, क्योंकि तृष्णा ही दुख का कारण है। चूंकि दुख नहीं है, दुख का उल्टा सुख होता है, इसलिए निर्वाण को सुख कहा गया, परम सुख बतलाया गया, सुप्रीम ब्लिस कहा गया। इस पर विशेष चर्चा निर्वाण वाले एपिसोड में आगे करेंगे। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को जो प्राप्त कर लेता है उसका तो मंगल होता ही है, उसके साथ साथ उसके संपर्क में जो कोई भी आता है उसका भी मंगल हो जाता है, उसका भी मंगल हो जाता है। भवतु सब मंगलं।